ये दवाइयाँ अब लिख देती। अच्छा खासा माल कमा लिया है तुमने। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हारा बेटा धर्मा से पंगा क्यों ले रहा है? पति तो तुम्हारा पहले ही मर गया है। ले दे के एक बेटा बचा है, उसका भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। अगर कल तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होगा, सोचा है कभी? समझाओ उसको, सुधर जाए। मेरा बेटा स्कूल में बहुत शरारत किया करता था। टीचर्स उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आया करते थे, तुम्हारी तरह। चरण की वजह से तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई है क्या? चमकन, इतना घमंड? हाँ है घमंड, मेरे बेटे का घमंड है मुझे। मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो जो कहता है करके दिखाता है। लगता है तेरे बेटे को भी तेरे पति के... आवाज नीचे। ये सोचने की गलती मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे पति मुझे एक शेर सौंप गए थे। दफा हो जाओ। चले या और बेइज्जती करानी है? यस डॉक्टर। सर का बीपी हाई हो गया है, इन्हें एक टैबलेट दे देना। अगर माँ बेटे दोनों ऐसे हैं तो जरा सोचो बाप कैसा रहा होगा। धर्मा, हल्के में मत लेना, उसे बताना पड़ेगा कि डर किस चिड़िया का नाम है। ये लो। बोलिए अंकल। हेलो चरण बेटा। हेलो। क्यों बे, बस्ती वालों को बचाने जा रहा है तू? तो तेरी माँ को कौन बचाएगा? मॉम। बोल मेरे मुन्ने। माँ की सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर बात करने की इतनी ही जल्दी है तो घर आ। हेलो। सुना है तेरी आइटम फटाका है मंजू, उसे अकेले छोड़ के आ गया? तेरी भूल जैसी गर्लफ्रेंड को क्या मेरे लिए छोड़ कर गया है? अब तक तो तूने मेरे बारे में सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुना होगा, अब अपनी आंखों से देख, क्योंकि शेर शिकार पर निकला है। जल्दी सोच किसके पास पहले जाके किसे बचाना चाहेगा। आप कहाँ भैया? क्या हुआ? वो साला आपकी बेटी के साथ इधर अपने घर में खेल रहा है। हाँ भाई, उसे छोड़ दे भूखा। क्या हो गया? बोला ना, उसे इसी वक्त छोड़ दे। हाँ भैया। निकल निकल, अपने आदमियों को लेके अभी के अभी वहां से निकल। रुक जाओ सब। हाँ भाई। राजा वहां से निकल जल्दी। हुआ क्या भाई? जो बोला वो कर। ठीक है,
चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई मर गया? क्यों बे? और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी तुझे? तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, अपने बाप की करतूतें नहीं जानती। जब तेरे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएगी, तब लोगों को तेरी औकात पता चलेगी, तेरी पोल खुल के रह जाएगी। अब बस एक चीज का इंतजार है, उस बस्ती वालों को तुझे डरा के भगाने का। ए साले, वो बस्ती वाले मुझे डराएंगे, उनमें इतनी ताकत आ गई। आ जा, वही आके मिल, मैं दिखाता हूँ कौन डरता है और कौन डराता है। आ जा साले। क्यों बे, क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे? बोल ना इनको, डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोल ना इनको। बच्चे यहां, बता इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं है। मेरे साथ चल, यहाँ इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं, अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर, डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए हैं, जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा उसे आपके सामने मार दिया गया, जो आपके घरों को बचाना चाहता था उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे डराने वाले पैदा होते रहेंगे। 10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है, सोचो अगर हजार इसके सामने खड़े हो जाए तो। धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है, जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया, क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, खास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है, पर ये सच है। भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ फुटले, अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो। Thank you.
चीटियां एक होके सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, सिर्फ तकियानु सी बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जरूरत मत कर, अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना, हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी। आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे।